इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप दोस्तों आईक्यू के मोबाइल फ़ोन में ऐप सजेशन बार को आप बंद कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका फ़ोन ड्रॉअर मोड में है और जब आप फिंगर को ऊपर की ओर स्वाइप करेंगी तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिखा दिया जाएगा रिकमेंडेड ऐप्स, मतलब इन ऐप्स को आपको यूज करने के लिए कहा जाता है कि आप इन सारे ऐप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही ऐप यूज करने के लिए कहा जाता है जिसको आप ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है ऐप रिकमेंड ना किया जाए, मतलब सजेस्ट ना किया जाए कि आप इन ऐप को यूज करें, तो आप इसको दोस्तों कैसे बंद कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको अपने आईक्यू मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर खाली जगह से फिंगर को दबाकर रखना है, खाली जगह पर। फिर यहाँ होम सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ होम सेटिंग वाले सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप सजेशन बार का, तो यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग बंद कर देना है। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, पर सेटिंग से जाना है तो सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आकर नीचे आना है और आपको यहाँ लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है, फिर होम सेटिंग पर क्लिक करना है। तो नीचे आकर यहाँ ऐप सजेशन बार का ऑप्शन मिलेगा, ये सेटिंग बस आपको यहाँ पर क्लिक करके बंद कर देना है। जैसे ही बंद कर देंगे उसके बाद देखिए, जब आप फिंगर को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप रिकमेंड नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, यानी कि सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से आप दोस्तों ऐप सजेशन बार को आप बंद कर सकते हैं या हटा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।